देवघर के राय कंपनी मोड़ के पास सिटी स्टाइल मॉल के बेसमेंट में अचानक आग लग गई। मॉल के बेसमेंट में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मी उपस्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस बीच बेसमेंट में रखी गाड़ियों को निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में किसी तरह की जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं प्रारंभिक जांच में जानबूझकर आग लगाने जैसी घटना लग रही है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आग दो तीन जगहों पर लगी हुई थी, जिससे इस बात की जानकारी मिलती है कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। देवघर से अवनीश। सिटी स्टाइल के बेसमेंट के नीचे में कपड़े का कार्टून और खराब खराब जो मटेरियल होता है पैकिंग वाला, वही सब कचरा रखा हुआ था, उसी में आग लगा था। फिर थोड़ा देर के बाद नीचे नियंत्रित कर लिए तो बगल में भी पता चला कि उधर भी आग लग गया है उनके कैंपस में। तो दो तीन जगहों पे छूट आग की घटना थी। इस आग में कोई आदमी नहीं जला है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बेसमेंट में बहुत सारी गाड़ियाँ थी, सब गाड़ियाँ भी बच गई है, किसी प्रकार की बड़ी क्षति नहीं है। संभावित है कि किसी के जानबूझ करके ही आग लगाने जैसा लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का वहाँ पे कोई संपर्क है नहीं कि शॉर्ट सर्किट भी हम बोल सकेंगे। लग रहा है कि किसी ने इंटेंशनली कोई आग लगाने का लग रहा है, क्योंकि बेसमेंट के बाद में बगल में कैंपस के बगल में भी आग था। तो इस तरह से हम लोग ऐसे तो पूरी तरह से हम अभी फिर जाँच करेंगे, अभी तो आग बुझा ही रहा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। मोदी सरकार जनता की हित के लिए कुछ नहीं कर रही है। देश में आसमान छूती महंगाई के विरुद्ध सीपीआई माले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। जिले के मोहनपुर में आयोजित इस कार्यक्रम की अगुवाई सीपीआई के वरिष्ठ नेता कॉमरेड वासुदेव देव कर रहे थे। मौके पर गीता मंडल, हरिहर यादव सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे। इन लोगों ने सबसे पहले बैनर तले बैठक किया, इसके बाद प्रधानमंत्री का पुतला लेकर नारेबाजी करते हुए मोहनपुर बाजार पहुंचे और पुतला दहन किया। मोहनपुर से विकास। केंद्र की सरकार ने जो डीजल पेट्रोल पर महंगाई मैंने लगातार बढ़ाते जा रहा है, जिसके कारण यहाँ गरीबों का, किसानों का, आम पब्लिक का इतना किराया बढ़ गया कि लोग को जीना मुहाल हो जा रहा है, इसलिए उसके खिलाफ हम लोग पुतला दहन किए हैं। दूसरी बात, यहाँ मोहनपुर थाने में ही शालिग्राम यादव जो होमगार्ड के जवान थे उनकी मौत मैंने पीट पीट कर पुलिस हत्या कर दी है। ये सब लोग देखो, जब पुलिस की हत्या पुलिस कर दी तो आम जनता का क्या हालत होगा ये आप जान सकते हैं। और उसके खिलाफ हम लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी और उनके परिवारों को आश्रितों को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? कॉमरेड पशुपति कोल, राज्य कार्यकारिणी सदस्य सीपीआई। आज हम लोग पुतला दहन नरेंद्र मोदी जी का कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिससे आम किसान मजदूर परेशान है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं भारत सरकार से कि इस मूल्य वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।